भाई ऐसा नागिन बन के सोए यहाँ पे बिस्तर माँ का, ऐसे सुबह उठ के मैंने दूध दिया और आके मेरे बिस्तर में सो गई आज। अरे भाई छोटे आज के लिए तो काम चला ले, आज खा ले इसे, कल से हरी मिलेगी ठीक है, कल से धूप आएगी तो हरी मिलेगी, इसे खा लो आज। हे गाइस, स्वागत आपका फिर से एक और न्यू पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो अभी देखिए बाहर क्या मस्त मौसम हो रहा है, ठीक है, देखिएगा क्या मस्त मौसम हो रहा, मतलब भाई पूरी किस्मत ही लुल है भाई हमारे चीज़ों, क्या सोचा था क्या हो गया यार। देखो बारिश कल शाम से लगी पड़ी है, अभी भी नहीं रुकी है, हम वहाँ जाने की सोच रहे थे, अब से आप तो शाम तक रुकेगी तो ठीक है, वरना फिर शाम को जाएंगे। मैं आज सुबह सुबह एक्साइटेड में बहुत जल्दी उठ गया था, मैंने कहा आज जाना है भाई यार, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे उधर नहीं गए, तो फिर एक्साइटेड में और बहुत जल्दी उठ गया था, मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे भी यार नहीं यहाँ जाने की, बहुत टाइम उधर नहीं गया, वहाँ से मंदिर जाने की तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, पर क्या ये किस्मत देखो हमारी, मैं रात भर खिड़की खोल के देखते रहा था अब रुकेगी, लेकिन किस्मत में नहीं हुआ जाना, या तो देखते हैं क्या होता है, अभी मौसम रुक खुलेगा तो क्या पता चले जाए, हो सकता है। कोहरा आ रहा, बादल ले जा रहा, मतलब पानी ले जा रहा, फिर आ रहा, एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश रुक जाएगी भाई, अब तो ठीक हो गया, फिर से जैसे ही थोड़ा मतलब इग्नोर जैसे कर रहा हूँ फिर बारिश शुरू हो जा रही है, क्या ही यार, मतलब अभी देखो थोड़ी हल्की हल्की धीमी हो रही है, फिर तेज़ होने लग गई, देखो एकदम से अचानक से तेज़ भाई। तो यार फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 11:27 हो रहे हैं, और भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी, लगता है आज भाई घर ही रोकने का लीजिए। और यहाँ देखिए बिल्ली तो भाई ऐसा नागिन बन के सोई है यहाँ पे बिस्तर माँ के, ऐसे सुबह उठ के मैंने दूध दिया और आके मेरे बिस्तर में सो गई आज, ये देखिए प्यारी सी बिल्ली हमारी, ले सोने दो यार, डिस्टर्ब नहीं करने का। सो यार गाइस बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही भाई, सुबह से नॉन स्टॉप चल रही कल रात से सॉरी, और आमा घास निकाली है, सूखी घास गायों के लिए और बकरियों के लिए दे के आता हूँ ना ठीक है, और ये सूखी घास है जो हमने इकट्ठा करी थी ठीक है। सही में गाइस बारिश इतनी तेज़ और हो गई ना, जैसे हम मैंने सोचा बारिश थोड़ी कम होगी मैं जाऊँगा घास देने, और बारिश और तेज़ हो गई है, और ये देखो रास्ता इतना ख़राब हो रहा, कीचड़ हो रहा पूरा रास्ते में, चलो पहले वहाँ गाय को देखो यार, उन्हें भी तो देना है ना, अब बारिश में तो खोलेंगे नहीं उन्हें ठीक है जंगल, क्योंकि फिसल विसल जाएंगे तो वो रहेगा ना यार, फिसलेंगे तो कहीं गाय बच्चे फिसल जाएंगे, बकरियाँ को भी नहीं खोल सकते, बकरियाँ वैसे भी बारिश में बाहर आती ही नहीं है, देखना अभी आएंगी नहीं बाहर, तो घास दे के देने जा रहे हैं जो सूखी घास है जो कि अभी काम आती है, देखो बरसात में ऐसी मतलब बारिश वारिश में या फिर जब घास नहीं होती तब काम आती है, जो हम सूखी घास रखते हैं ठीक है। ये रही बकरियाँ, बस इतनी है घास ये लगा, अंदर है बैल, एक बैल, ये रहा घोड़ा राजो, पहले खिड़की खोलता हूँ, भी आराम से, और बकरियों को देखो और दिन ऐसी भागती है ना बाहर को, आज भाग ही नहीं रही भाई, बकरियों का भी अलग नशा है, घास तो दे दिए ने, क्योंकि भाई अब बारिश हो रही है खोल नहीं सकते ना, इधर ही घास दे देते हैं तो सही रहता है यार, देखो हमारी घास बची हुई घास कितनी काम आती है देखो, और बाहर तो भाई बारिश तो ऐसी लग रखी है ना यार, बकरियाँ खाई नहीं रही, बकरियाँ बोल रही हरी घास चाहिए, भाई हरी घास कहाँ से लाए तुम्हारे लिए, ये देखो खड़ी हो रही भाई, अब इन्हें चाहिए हरी घास, अब बारिश में देखना जाएगी ना, जाएगा नहीं, चल जा देखना, ओए ओ चल दिया सही में, देखना वो देखो आ जा अंदर आ जा, अबे मैं ट्राई कर रहा था, और देखो आ गया, भागते। अरे भाई छोटे आज के लिए तो काम चला ले, आज खा ले इसे, कल से हरी मिलेगी ठीक है, कल से धूप आएगी तो हरी मिलेगी, इसे खा लो आज। तो गाइस मैं ये इसे लेके आया हूँ, ये सही रहता है घास ले जाने के लिए, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है क्या ही बताएं, पहले घर जाते हैं एक कड़क चाय पीते हैं यार, ठंड बहुत हो रही है, पहाड़ में बारिश हो जाए जाड़ों के दिनों में ठंड तो भाई दुगनी, कल से देखना इससे भी दुगनी ठंड होगी, एक खड़ी चढ़ाई में ना फिर काई जम गई, पैर फिसल रहे हैं, यही होता भाई इस वाले में, एक दिन बारिश हुई नहीं इसमें काई जम गई जाएगी, और 2-3 दिन तक काई वैसे ही फिर फिसलेंगे। आमा अभी खाना पका रही है और चाय बोल रही है अभी नहीं, और भाई ये भी देखो रोटी पक रही है, दाल भात पक गई है, चूल्हे में पका रहे हैं, आमा ने खाना पका दिया तो चाय बोल रही है, खाना खाने के बाद खा लेना ठीक है,
और भाई मौसम तो रुकने का नाम नहीं ले रहा लगा, मुझे लगता आज कैंसिल है, कैंसिल भाई। पहले खाना खा लेते हैं, और ये देखिए अभी भी सोई है बिल्ले। ए बिल्ले वो देख, उठे उठ जा, खाना खाएगी चल। ए भाई टांगों के नीचे सर डाल दिया। और भी यहाँ पर थोड़ी अम्मा दाल साफ़ कर रही है, उसमें थोड़ा पत्थर वत्थर होते हैं ना अभी, तो ये घर की दाल है तो साफ़ कर रहे हैं। बुबू आराम से देखें अम्मा को, पता नहीं क्या देख रहे हैं। और भाई बारिश तो सुबह से नॉन स्टॉप ही है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। सो यार गाइस, मैं वहाँ से आया था, बकरी को मतलब घास वास देखिए, इसके बाद फिर बूबू देख के आए होंगे कि मैं तो उसके आने के बाद एक घंटे बाद सो गया था, ठीक है। मतलब बारिश लगी है भाई, सुबह से एक मिनट के लिए नहीं रुकी यार कसम से। और दिन तो भाई थोड़ा वो होता था, आज पता नहीं क्या ही हुआ, मतलब कसम से यार भाई पूरी किस्मत ही ख़राब है आज तो। कहाँ जाना था, क्या होना था, कुछ हो गया। और बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है भाई, अभी भी नॉन स्टॉप एक मिनट के लिए नहीं रुकी है। ये बड़ी ताजुब की बात है, कल शाम से एक मिनट के लिए नहीं रुकी हुई है। मैं भी सो के जस्ट उठ ही रहा हूँ, बस मैं सीधे कैमरा मोबाइल ही पकड़ा, कैमरा ही पकड़ रहा हूँ। ठंड भाई बहुत होने लगती है, ठीक है। ये मैं रनिंग के लिए यूज़ करता था जाड़ों में, अब ये भी निकाल दिया, जैकेट भी निकाल दी भाई, बहुत ठंड हो गई है। देखते हैं क्या होता है, वर्कआउट तो आज नहीं होगा यार, क्योंकि तो देखते हैं रामा कर क्या रही है नीचे। भाई रामा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो रामा को भी देखते हैं क्या कर रही है। रामा कर क्या रे भाई, बहुत जल्दी खाना पका दिया भाई आज तो, और दिनों 8 या 9 बजे तक खाना पकता है, आज जल्दी बन गया क्योंकि बारिश है ना बाहर सुबह से लगी है अभी तो। तो हम भी खाते हैं खाना, बूबू भी खा रहे खाना है पर आराम से, हमें पका रही है हम भी खाते हैं। बारिश तो भाई कोई कीमत पर नहीं रुकने बोल रही है ना भाई, ना माना रुकेंगी। सो गाइस दूध भी लाया अपने लिए, खाना तो खा कर ही आया मैं सीधा, अभी जैकेट पहन के भी ठंड हो रही भाई, अभी तो पता नहीं क्या ही सीन हो रहा। मैंने जस्ट वहाँ कॉल किया है अभी माकोट में, वहाँ आ चुकी भंडारा था ना, तो पूजा थी, मैंने बोला कैसा है मौसम, बोल रहे थे ठीक ठीक नहीं है। और मंदिर अगर कल सुबह मौसम सही नहीं हुआ तो परसों जाएंगे, ठीक है, वो तो मतलब परसों ही जाएंगे बोल रहे, कल तो आ जाना परसों जाएंगे, तो मतलब मेरे लिए रुके हैं शायद, जो करते हैं आप मेरे लिए रुके ना रुके चलो, तो भाई भगवान है। कल मौसम साफ रहा तो मैं भी चले जाऊँगा, नहीं रहा तो फिर भाई कल घर का ये ब्लॉग लाइफ स्टाइल ब्लॉग, और ये भाई लाइफ स्टाइल ब्लॉग था आज का, तो भाई अभी देखा जाएगा क्या होता है सीन। बाकी भाई बड़ा मस्त चल रहा है, और भाई आराम से 1-2 घंटा सोया मैं, मस्त तरीके से नींद आई, अब तो आराम से गेम खेलेंगे मस्त, क्योंकि नींद आने वाली है नहीं, खाना भी खा लिया, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते गाइस, होप करूँगा आपको एक छोटा सा लाइफ स्टाइल ब्लॉग पसंद आएगा, पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग, ठीक है। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट से एकदम बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।